दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को 100% स्टाफ क्षमता के साथ काम करने का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संबंधी स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने अपने दफ्तरों को सभी कर्मचारियों को बुलवाने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए विभागों को हिदायत देते हुए कहा है कि ये सुनिश्चित करें कि सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। तो जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, तो उसी को देखते हुए जब मामले भी अब कम आने लगे हैं, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, उसी के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में अब सभी दफ्तरों को 100% कर्मचारियों की जो क्षमता है उसके साथ दफ्तर खोलने के आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने अनुमति सभी को दे दी है कि अब 100% लोग अपने दफ्तरों में आकर काम कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बेपटरी सभी व्यवसाय हुए हैं वो पटरी पर वापस लौटने लगेंगे। और ये निर्णय दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया। हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, एक ओर कोरोना वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर राहत की बात यह है कि कोरोना की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। राजकुमार, बिल्कुल ईशानी, क्योंकि पिछला एक साल जो कोरोना का गया है उसमें निश्चित तौर पर रीढ़ जो है वो हिला के रख दी है, और ये दिल्ली सरकार का जो निर्णय है, सचिवालय से जो आदेश जारी हुआ है तमाम विभागों को, क्योंकि ड्रॉप आने के बाद अब वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है, और ये मान के चलिए कि अब कोरोना से लड़ने के लिए हमारे पास अस्त्र है, दवा लगाइए और काम पर चलिए। बिना काम किए हुए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझिए कि पिछले एक जो साल का समय गया है उसमें आम आदमी के साथ साथ पूरे सरकारी तंत्र को भी हिला के रख दिया है। तो इस वजह से सचिवालय ने एक आदेश जारी किए हैं कि तमाम जितने विभाग हैं, जो 54 डिपार्टमेंट अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं सरकार के, जो सरकार का तंत्र है, ये केजरीवाल सरकार ने जो फैसला दिया है, सचिवालय से कल एक आदेश जारी हुआ है रात को, और सभी विभागों के अध्यक्षों को कहा गया है कि अपने अपने जो लोग जो आप कर्मचारी हैं वो कर्मचारी 100% अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद राजकुमार तमाम जानकारी के लिए।